हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। सो गाइस, आज जो है हम लोग जो है इस वीडियो में ये जानने वाले हैं कि जो सब स्टेशन होते हैं या फिर जो पावर प्लांट्स से जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के द्वारा जो सब स्टेशन या पावर ग्रिड में जो सप्लाई पहुंचता है, तो वहाँ पे जो चीज़ें होती हैं वो क्या क्या होती हैं, वहाँ पे सभी चीज़ों को हम लोग देखते हैं यहाँ इस वीडियो में। हालांकि ये जो है एक सब स्टेशन नहीं है, बट हाँ, किसी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी जो है इंस्टीट्यूट का ये पूरा कंट्रोल पैनल यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया है। इन चीज़ों को समझ के भी आप लोग बहुत कुछ यहाँ से सीख पाइएगा। तो हमारे साथ में हमारे पवन सर, जो कि आपको यहाँ पे जो है पूरा चीज़ों को समझाएंगे और जो है कैसे क्या क्या चीज़ें कहाँ से आ रही हैं, कहाँ से जा रही हैं, इन सभी चीज़ों को आप लोग को बहुत बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो गाइस, यहाँ पे जो है पूरा जो आप लोगों का मतलब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे क्या किया गया है कि दो पैरेलल ट्रांसफार्मर जो है रखे गए हैं। अभी मैं आप लोगों को थोड़ा मैं बाहर दिखा दूंगा, और वो दो ट्रांसफार्मर को पैरेलली कनेक्शन किया गया है लोड को शेयर करने के लिए, ठीक है, या फिर कोई वर्किंग कंडीशन नहीं तो दूसरे से काम लेने के लिए। अब उन दोनों का जो है जो 11 kV डायरेक्ट जो है इंस्टीट्यूट में आया, और फिर 11 kV का जो भी उसका जो स्टेप डाउन करके, ठीक है, उस वोल्टेज को दैट 400 वोल्ट करके यहाँ पे सीधे जो है यहाँ पे भेज दिया जाता है, ठीक है, इस कंट्रोल पैनल में। और वो जो है उस कंट्रोल पैनल को इस मतलब इस कंट्रोल पैनल के जरिए पूरा जो इंस्टीट्यूट के जो पावर को उसको क्या किया जाता है, तो यहाँ पे कंट्रोलिंग किया जाता है, मतलब ऑफ ऑन या फिर ट्रिपिंग करना है, इन सभी चीज़ों को। तो चलिए हम लोग जो है पवन सर के पास यहाँ पे समझते हैं चीज़ों को, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। और इधर हम लोग जो है दिखाइए उधर थोड़ा, इधर जो है आप लोगों का डीजी सेट भी है जो कि यहाँ पे देख पाइएगा। तो इसको भी हम लोग समझेंगे यहाँ पे क्यों रखा गया है, और ये कंट्रोल पैनल के बारे में पूरा इधर जो आप देख रहे पूरा जो है इसके बारे में समझते हैं। तो आइए सर से बात करते हैं। तो सर समझाइए हमें कि यहाँ पे जो है ये पूरा सिस्टम के बारे में समझाइए हमें। जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि देखिए ये एक चेंजओवर है, जैसे कि हमारे घरों में चेंजओवर लगा हुआ होता है, यहाँ पे 400 एम्पियर का चेंजओवर लगा हुआ है, क्योंकि हमारा ट्रांसफार्मर जो है एलटी साइड भी 400 एम्पियर ही है, ठीक है। तो ये देखिए हमारा इनकमिंग आ रहा है, ये हमारा जो एलटी साइड से आ रहा है 400 एम्पियर की सप्लाई आ रही है, और ये देखिए हमारे डीजी सेट की तरफ से 400 एम्पियर की सप्लाई आ रही है। तो चेंजओवर के काम को आप जान ही रहे होंगे कि ये मेन सप्लाई है, यानी कि जो ट्रांसफार्मर से सप्लाई आ रही है वो मेन सप्लाई में चलेगा, और जो जनरेटर साइड से आएगी वो हमारा जनरेटर सप्लाई पर चलेगा। तो इसको जानने से पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि हमारे यहाँ डीजी सेट लगा हुआ है, डीजी सेट देख ही रहे हैं आप। आइए तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, हाँ, तो यहाँ पे जैसा कि देख पा रहे हैं सर हम लोग कि ये डीजी सेट है, मतलब कि ये जो है आपका डीजल जनरेटर सेट है, ठीक है। तो इसके बारे में देखिए समझते हैं। हालांकि अभी आप लोगों को ऐसे यहाँ पे जानकारी के लिए जो है बहुत सारे यहाँ पे पार्ट्स हैं, यहाँ पे भी हम लोग बहुत कुछ सीख लेते हैं क्या क्या यहाँ पे है। तो सर यहाँ पे थोड़ा हम लोग को पार्ट समझाइए कि जैसे कि ये वाला पार्ट, ये सेक्शन क्या है, ये सेक्शन क्या है, ये क्या है, वहाँ वो क्या है, थोड़ा नेम प्लेट के बारे में थोड़ा समझाइए। जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि ये एक इंजन होता है, जैसे कि गाड़ियों में इंजन होता है, घर के जो जनरेटर में इंजन होता है, सेम वही इंजन है, बस फर्क ये है कि ये हैवी पावर का इंजन लगा हुआ है। यहाँ पे बहुत सारे सिलेंडर होते हैं, जैसे एक सिलेंडर, दो सिलेंडर, चार सिलेंडर, आठ सिलेंडर, तो इसी तरह यहाँ अलग अलग तरीके के सिलेंडर है। और ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये रेडिएटर होता है, जैसे कि आप पुराने समय में देखते थे कि रेडिएटर में पानी वगैरह डालते हैं, यहाँ ऊपर से पानी भी डाल सकते हैं जब हीट करता है। ये आपका रेडिएटर हो गया, और ये देखिए हमारी ये चिमनी हो गई, ये चिमनी के माध्यम से जो धुआं ऊपर जाता है ये बाहर निकल जाता है। और ये हमारा उसके बाद ये अल्टरनेटर देखिए लगा हुआ है, ये अल्टरनेटर के माध्यम से यहाँ पे देखिए कंट्रोल पैनल, यहाँ से सप्लाई वगैरह ले सकते हैं। और उसके बाद देखिए इधर दिखाना चाहूँगा, ये देखिए हमारा ऑयल टैंक लगा हुआ है, ये ऑयल टैंक में ये ऑयल भरा रहता है, और इसके लिए देखिए पाइप के माध्यम से ऑयल जो है जनरेटर को मिलता है। और इधर भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा, देखिए एक बैटरी के माध्यम से कैसे सेल्फ स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इतना बड़ा ये जनरेटर है कि इसको हम हैंडल से स्टार्ट नहीं कर सकते। आप देखे होंगे कि घरों में हम हैंडल से स्टार्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे सेल्फ स्टार्टिंग का प्रयोग किया गया। ये देखिए हमारा सेल्फ भी ये देखिए लगा हुआ है, और ये कनेक्शन सेल्फ में दिया हुआ है, तो इसके माध्यम से जनरेटर ऑन होता है। और ये देखिए नेम प्लेट की बात किया जाए, तो देखिए यहाँ पे नेम प्लेट भी लगा हुआ है, ये किर्लोस्कर कंपनी का डीजी सेट है, ये आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए, ये मैं आपको देखिए साफ करके दिखा दे रहा हूँ कि ये देखिए आपका जो है ये थोड़ा सा ये देखिए 250 kVA का जनरेटर है, और 348 एम्पियर पे ये वर्क करता है, और थ्री फेज है, ये थ्री फेज जनरेटर है। तो आप जान ही रहे हैं कि थ्री फेज सप्लाई की ज़रूरत होती है बड़े मतलब प्लांट वगैरह में, तो यहाँ पे थ्री फेज का ये जनरेटर।
तो दोस्तों जैसा कि आपको सर ने बताया, इस डिटेल्स के बारे में बताया, चलिए इसको और थोड़ा सा यहाँ पे और चीज़ों को इलेबोरेट करके यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे एसी जनरेटर है जो कि किर्लोस्कर इलेक्ट्रिक को लिमिटेड, ठीक है, कॉर्पोरेशन लिमिटेड बेंगलोर में ये बना था। चलिए यहाँ पे देखिए केवीए कितना, देखिए 250, ठीक है, केवीए मतलब कि ये हो गया आपका। उस पर देखिए आरपीएम 1500 आरपीएम पर ये काम करता है। उसके बाद देखिए वोल्टेज कितना ये जनरेट करेगा, तो 415, आई होप कि आप लोग को दिख रहा होगा, एम्पियर 348। फिर यहाँ पे देखेंगे हम लोग आगे, तो देख लीजिए ये हर्ज कितना, तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 50 हर्ज, फेज 3 फेज का, और देखिए पावर फैक्टर भी यहाँ पे दिया हुआ है 0.8। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक टर्मिनल बॉक्स के माध्यम से जब जनरेटर ऑन होता है तो यहाँ से तीनों फेज की सप्लाई जाती है। स्टार कनेक्टेड ये जनरेटर है। स्टार में आपको पता ही होगा कि न्यूट्रल होता है और 3 फेज होता है। तो आइए हम कंट्रोल पैनल की तरफ चलते हैं और कुछ जानते हैं। और इसके बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया है कि ये बैटरी लगा हुआ है सेल्फ स्टार्ट के लिए। ये सेल्फ देखिए लगा हुआ है, और ये देखिए ये हमारा ये आरपीएम मीटर भी लगा हुआ है कि कितने पे इसका जो डीजी सेट का जो इंजन है वो कितने आरपीएम में रन कर रहा है। ठीक है, तो आपको पता ही होगा कि ये रेडिएटर है, जैसे कि इंजन में एक रेडिएटर होता है, ये डीजी सेट का रेडिएटर है। और रेडिएटर में देखिए ये ऊपर की तरफ, देखिए ये ऊपर की दिखाई, ये देखिए ये पानी जो डालने के लिए जगह हुआ है, जब हीट होता है तो इसमें हम लोग पानी डालते हैं कूलिंग के लिए। ठीक है, अब तो नए जनरेटर में इसका इस्तेमाल बहुत ही कम होता है क्योंकि एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है। तो दोस्तों जैसा कि सर ने हम लोग को बहुत बेहतरीन ढंग से यहाँ पे डीजी सेट के बारे में समझाया है, इवन नेम प्लेट वगैरह सभी के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है, हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं थोड़ा सा पैनल्स के बारे में समझ लेते हैं कि कैसे पूरे बिल्डिंग में यहाँ से कंट्रोल किया जाता है। तो सर थोड़ा हम लोग इस पर जो है बताइए क्या क्या यहाँ पर। देखिए वहाँ पर जाने से पहले मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ और बता भी चुका हूँ कि ये एक चेंज ओवर लगा हुआ है। ये चेंज ओवर के माध्यम से हमको सप्लाई जनरेटर पर लेना है या ट्रांसफार्मर पर लेना है। अगर ट्रांसफार्मर पर लेना है तो ये मेन सप्लाई में जाएगा, अगर जनरेटर पर लेना है तो जनरेटर की सप्लाई में जाएगा। ये ऑन है, ये ऑन है और ये बीच में ऑफ होता है, ये 400 एम्पीयर रेटिंग। जैसे अगर यहाँ पे हम लोग ऑफ कंडीशन में कर देते हैं इसको, ये ऐसे बॉक्स के अंदर में है, जैसे हम ऑफ में कर देंगे तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन का बिल्डिंग का जो सप्लाई वो कट जी बिल्कुल लाइट ऑफ हो जाएगी बिल्कुल। और अगर ऊपर जनरेटर पे डीसी सप्लाई से अगर हमें देना है तो ऊपर कर देंगे हैंडल को, और अगर जो हमारा जो बाहर से जो आ रहा है ट्रांसफार्मर के जरिए तो अगर हमको जनरेटर वहाँ पे चेंज ओवर थ्रू यहाँ पे डाल रखा है तो इसको जैसे ही ऑन करेंगे तो ये कंट्रोल पैनल जितना भी है ये जनरेटर पे चालू हो जाएगा। और ये देखिए जैसे कि आप देख पा रहे इनकमिंग फ्रॉम मेन पैनल टू एसेंशियल पैनल, मतलब कि जो ट्रांसफार्मर की सप्लाई आ रही है 400 एम्पीयर की, वो मेन पैनल यहाँ से स्टार्ट होगा और ये जनरेटर पे नहीं रहेगा, तो यहाँ पे स्टार्ट होगा। ये सब कुछ देख रहे हैं, जैसे कि स्ट्रीट लाइट के लिए देखिए हमारा ये ऑन है, एक फीडर पिलर के लिए ऑन है, पंप के लिए देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, वर्कशॉप की लाइट एंड फैन के लिए देखिए लगा हुआ है, ये 63 एम्पीयर जनरेटर रूम, ये एक जनरेटर रूम है, ये जैसे यहाँ पर सप्लाई किया हुआ है, ये एडमिन बिल्डिंग के लिए 200 एम्पीयर के ये स्विच गियर वगैरह जो लगे हुए हैं, जैसे MCB होता है, मिनीचर सर्किट ब्रेकर, यहाँ बड़े बड़े ब्रेकर लगे हुए हैं। ठीक, ब्रेकर की तरह जैसे कंप्यूटर सेक्शन के लिए मैंने अभी ऑफ करके रखा हुआ है। ठीक है, ये स्पेयर के लिए बहुत सारे इसमें कुछ काम भी करते हैं, कुछ नहीं भी करते हैं, कुछ हम ऑफ करके रखते हैं, तो ये आप देख पा रहे हैं। तो सर यहाँ पे जो है जैसे ये अलग अलग जो आपके जो मतलब बिल्डिंग के जो पार्ट्स हैं, जैसे कि यहाँ पे हमारा एडमिन का बिल्डिंग हो गया, मतलब यहाँ पे देखो डेमोन्स्ट्रेशन रूम नंबर 1, तो यहाँ से आप बस इसको ये अभी ऑन कंडीशन में जैसे इसको इस कंडीशन में डाउन कर दीजिए, जैसे ये डाउन है कंप्यूटर सेंटर की सप्लाई यहाँ पे बंद है जी, यही कह रहेगा। चलिए बहुत अच्छे से हम लोग समझ पा रहे हैं सभी द्वारा। और उसके कंट्रोल पैनल के लिए देखिए आप, जैसे कि आप जानते हैं कि एयर सर्किट ब्रेकर 1000 एम्पीयर का देखिए लगा हुआ है, तो आप जान ही रहेंगे कि यहाँ पे इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है तो 1000 एम्पीयर ही लगाना पड़ेगा या इससे ज़्यादा भी आता है, आपको पता ही होगा। ये देखिए बिल्डिंग नंबर 2 के लिए अगर हमको सप्लाई लेना है, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें बताना चाहूँगा कि देखिए कोई भी सब स्टेशन हो तो देखिए वहाँ पे एक ये नेम प्लेट लगा देते हैं ताकि कोई भी कर्मचारी आए या कोई भी जो भी आए तो उसको ये पता चले कि हमारा ये कंट्रोल पैनल ऑल सेक्शन में चल रहा है। ठीक है, तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, देखिए इसे जब भी हम ये मेन कोई अगर शट डाउन वगैरह लेना होता है तो शट डाउन में देखिए हम ये क्या होते हैं इस तरह से लगा देते हैं, और ये हम बता देते थे वर्क नॉट परमिटेड, यानी कि ये अभी काम नहीं कर रहा है, और इसको आप ऑन ना करें क्योंकि अंडर सेक्शन काम चल रहा है।
और जैसे ही हमारा काम खत्म होता है कि हम मेन ऑनलाइन में ये लगा के ये टांग देते हैं ताकि ये हमारा ये वर्किंग काम करता है, क्योंकि ये बहुत ही डेंजर एरिया होता है। आप इसको छुएंगे तो हो सकता है इंसान की मौत भी हो सकती है, झटका भी लग सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए ये डिस्प्ले बोर्ड लगाना बहुत ही ज़रूरी है। और आप जैसा कि सर ने बताया कि इन चीज़ों का बहुत आप लोगों को ख्याल रखना है, क्योंकि सबसे पहले इलेक्ट्रिकल सेक्शन में हम लोगों को सेफ्टी फर्स्ट देखना होता है जी, ठीक है। तो आप इन चीज़ों को अगर कहीं भी विजिट करते हैं तो अपने ट्रेनिंग ऑफिसर हैं आपके या फिर आपके जो भी जानकार हैं वहाँ पे उनसे जरूर कंसल्ट करके ही आप लोग इस तरह से किसी भी चीज़ को छूना है। आप लोग अगर कहीं विजिट करते हैं तो सिंपली देखने के लिए देखिएगा, पर अगर आप ट्रेनिंग ऑफिसर के साथ भी गए हैं तो उसको बिना परमिशन के आप लोग नहीं छुएगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़ा दुर्घटना 3 फेज सप्लाई होता है जहाँ की आपका सिर्फ एक गलती बहुत बड़ा नुकसान आपको दे सकता है। और इन चीज़ों के बारे में सर ने बताया है, बहुत अच्छा है। चलिए अब आगे की बात समझते हैं। देखिए आगे की चीज़ें हैं, हमारे सौरभ सर बताएंगे कि ये डिस्प्ले बोर्ड वगैरह लगा हुआ है, पावर फैक्टर मीटर है, एम्पीयर मीटर है, वोल्ट मीटर, तो आप समझ लीजिए। तो ठीक है, थैंक यू। और जैसा देख पा रहे हो आप लोग यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, ट्रांसफार्मर नंबर 2 और उधर देखिए ट्रांसफार्मर नंबर 1। मैंने आपको स्टार्टिंग बिगनिंग में ही बताया था कि यहाँ पे पैरेलली 2 ट्रांसफार्मर को यहाँ पे कनेक्शन करके सप्लाई के यहाँ पैनल्स भी बनाए गए हैं। ऐसा क्यों किया जाता है, मैंने आपको बताया था लोड शेयर करने के लिए, या फिर मान लीजिए एक वर्किंग कंडीशन में नहीं है या फिर एक में फॉल्ट आ गया, उस केस में क्या होगा, सप्लाई तो पूरा ठप हो जाएगा ना, इसलिए हम लोग उस टाइम में दूसरे ट्रांसफार्मर से यूज लेते हैं। तो दोनों का यहाँ पे देख पा रहे हैं एयर सर्किट ब्रेकर 1000 एम्पीयर दोनों का यहाँ पे ऑपरेशन होता है, ठीक है। तो मान लीजिए अगर एक को एक में खराबी आई है या फिर वहाँ पे हम लोग को सर्किट को ब्रेक करना है तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे आइसोलेशन यहाँ पे चीजें दी हुई फंक्शन दिए गए हैं, यहाँ से आप इन चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। और सेम टू सेम यहाँ पे सब कुछ करना चाहेंगे यहाँ पे। हाँ देखिए वो जैसा कि आपने बताया बिल्कुल सही बताया कि पैरेलल कनेक्शन में 2 ट्रांसफार्मर को लगाते हैं ताकि लोड को शेयरिंग करने के लिए लगाते हैं, या फिर एक खराब हो जाए तो भी हम यूज कर सकते हैं, और हम लोड को शेयर करना चाहें तो भी यूज कर सकते हैं, या दोनों को एक साथ चलाना चाहें तो भी चल सकता है। और ये देखिए हमारा पावर फैक्टर मीटर में 0.86 में बता रहा है, और ये देखिए हमारा एसी जो है एम्पियर मीटर है, और ये देखिए हमारा वोल्ट मीटर है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं अभी आपको बहुत अच्छे से नहीं दिख पा रहे क्योंकि लाइट इस वजह से खराब हो चुकी है। भाई यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ, ये जो पावर फैक्टर जो है आप लोग अपने सिलेबस में पढ़ते होंगे, तो यहाँ पे देखिए जो एक्चुअली यहाँ पे लीडिंग और लैगिंग करके 2 चीज़ें होती हैं, राइट सर। तो हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम में मतलब कि अगर आपका लीडिंग फैक्टर में अगर चलता है तो बहुत अच्छा उसे माना जाता है, एनर्जी भी आपका बहुत अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट होता है, और वो जो है फर्दर जो है फॉल्ट्स नहीं आएंगे, और आपका बिलिंग या फिर जो आपका एनर्जी मीटर जो है वो कम बिल वहाँ पर दिखाएगा। जैसा कि यहाँ पर पूरा जो हमारा जो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन है उसको कितना भी चलता है 0.86, तो आप लोग को पता होगा मेनली जो है यहाँ पे इंडक्टिव टाइप के लोड्स होते हैं, फैन हो गया या फिर ये मोटर कॉइल हो गया, तो यहाँ पे इतना अच्छा पावर फैक्टर फिर भी बहुत अच्छा पावर फैक्टर, इसीलिए देखिए इंडिकेटर में आप देख रहे हैं लैग कर रहा है, ये लीड नहीं करके ये लैग कर रहा है, इंडिकेटर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये देखिए हमारे जैसे कि जनरेटर रूम में देखिए आपका लगा हुआ है, ये हमारा जैसे बस बार जिसको कहते हैं, इस बस बार के थ्रू भी छोटे छोटे जो सप्लाई डिस्ट्रीब्यूट किए गए, और इसमें देखिए एक फायर एक्सटिंग्विशर का भी यूज करते हैं कि अगर कोई अचानक से दुर्घटना हो जाए, वहाँ भी देखिए दिखाई जाए, वहाँ पे भी देखिए लगा हुआ है, कोई दुर्घटना हो जाए तो उसको यूज करके हम आग से बचा जा सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने तो यहाँ पे बहुत कुछ चीज़ों को समझ लिया है, यहाँ पे देखिए एक चीज़ आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा क्या है, 400 एम्पीयर बस कपलर। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे यहाँ पे हमारा ट्रांसफार्मर 1 है, ट्रांसफार्मर 2 है, इन दोनों को अगर आपको साइमल्टेनियसली चलाना है, एक साथ चलाना है, तो उसमें बहुत कुछ चीज़ें होती हैं, ठीक है, लाइक फेज सीक्वेंस चेक करना पड़ता है, पोलैरिटी चेक करना पड़ता है, ठीक है, रेटिंग्स वगैरह भी कुछ हद तक चेक किए जाते हैं, उसके बाद ही हम इसको कपल कर सकते हैं। दोनों से सप्लाई हम लोग को अगर साइमल्टेनियसली देना है तो यहाँ पे बस कपलर्स का ही यूज़ किया जाता है, तो ये चीज़ों के लिए यहाँ पे है। उसको देखिए यहाँ पे जो है फीडर हो गया, फिर हॉस्टल जो है मतलब कि ब्लॉक नंबर 4-5 के लिए गया है यहाँ से, तो ये सभी क्या है, यहाँ कंट्रोल पैनल्स है, ठीक है। यहाँ बेसिकली जो कंट्रोल पैनल, जैसे कि आप लोगों के मतलब कि फ़ोन है, तो फ़ोन में कंट्रोल पैनल तरह से क्या कर सकते हैं कि चीज़ों को जैसे ऑपरेट करिएगा उसी के अनुसार से आपको आउटपुट मिलता है, तो सेम टू सेम यहाँ पर भी सभी चीज़ें यही यहाँ पर भी वैसे ही चीज़ें। अब अंदर जो है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स और फिर जो है इलेक्ट्रिकल जो है कंपोनेंट्स का जो है मतलब कि चीज़ों को यहाँ पे जो अरेंज करके इन चीज़ों को बनाया जाता है, वो सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा डीप की चीज़ें हैं, वो सब कभी देखेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। चलिए हम लोग थोड़ा सा बाहर चलते हैं, और जो ट्रांसफार्मर 1 और ट्रांसफार्मर 2 का जो मैंने आपको बात बताया था वो भी चलिए आप लोगों को मैं दिखाता हूँ।
तो आइए यहाँ देख पा रहे हैं कि एक ट्रांसफार्मर देखिए 300 KVA का यहाँ लगा हुआ है और एक 300 KVA का ट्रांसफार्मर भी यहाँ है। ये दोनों सेम रेटिंग का ट्रांसफार्मर है और इसको पैरलर में लगाया गया है जैसा कि वहाँ पर आपने देखा। और सौरभ सर हमारे बताएंगे और भी कुछ चीज़ के बारे में। तो जैसा कि आप लोगों को पता चल गया होगा कि ट्रांसफार्मर 1 और ट्रांसफार्मर 2 के बारे में सर ने दिखाया आपको, ये 1 इधर एक 2, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली जो है ये आपका इनकमर हो गया यहाँ पर, ठीक है, जो कि 11 KV का यहाँ पर इनकमिंग किया गया है, ST साइड है इनकमिंग के लिए। और वो उस साइड से हम लोग जो है आउटपुट मतलब कि आपका हाँ जो LV साइड है या LT साइड वो साइड होगा, ठीक है। इधर से जो है आप लोगों कहाँ चले जाए, सीधे कंट्रोल पैनल में चले गया। यहाँ से जो मैं अभी अंदर से अभी आपको लेके आया वहाँ ये सिंपली चले जाता है। और ट्रांसफार्मर का जो है पूरा पार्ट्स और ट्रांसफार्मर में क्या क्या जो है यहाँ पर जो पार्ट्स होते हैं उसका स्पेशल से वीडियो है चैनल पर, आप देख पाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या किए हैं, दो ट्रांसफार्मर अपने सुविधा के लिए, अब आगे के मान लीजिए कभी फॉल्ट्स वगैरह के बारे में अगर फॉल्ट्स अगर होता है तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे रखे होंगे, ठीक है। तो होपफुली आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। तो आशा करता हूँ कि आप लोग जो है वीडियो को सपोर्ट दीजिएगा और जो है यहाँ पे जो है मतलब जितनी भी चीज़ें थी वो चीज़ें आप लोग समझ पाएंगे। कभी हम लोग पावर स्टेशन जो बड़े वाले होते हैं जहाँ की सर्किट ब्रेकर बड़े बड़े होते हैं, ठीक है, SF6 सर्किट ब्रेकर या फिर यहाँ पे तो आपने एयर वाला जो है वो देखा है ऑयल सर्किट ब्रेकर, ऐसा बहुत कुछ होते हैं, CTPT ऐसी चीज़ों को हम लोग कभी विजिट करेंगे तो वहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही और सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद, कौन सर का। तो चलिए आप लोग से फिर मुलाकात होगा किसी इस तरह के न्यू इन्फॉर्मेशन में, न्यू इलेक्ट्रिकल चीज़ों के बारे में या फिर अदर थिंग्स में। तो आप लोग का वीडियो बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।